हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाट, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कॉरेस्पोंडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो कार्डिगन मैं बनाना सिखा रही हूँ, इसका राइट साइड का पार्ट बनाना सिखाऊंगी कि राइट साइड का जो पार्ट होता है वो कैसे बनता है, बटन होल कैसे बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा कम्प्लीट हो चुका है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये मैं आपको पूरा सिखा चुकी हूँ। अब हम इसका राइट साइड का पार्ट बुनेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हम बटन पट्टी बनाते हैं ये राइट साइड वाली भी रख सकते हैं और लेफ्ट साइड वाली भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपकी अपनी मर्जी होगी, आप चाहे राइट साइड में बटन होल बना लीजिए या लेफ्ट में बना लीजिएगा। तो मैं फ्रेंड्स इसके जो बटन होल बनाऊंगी वो राइट साइड में बनाऊंगी, जो लेफ्ट पार्ट है वो मैंने बटन पट्टी बनाई है। अब बराबर बराबर गैप में हमारे बटन लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारा पार्ट चाहे आप कैसे भी बनाओ, चाहे लेफ्ट बनाओ या राइट बनाओ, पहले बटन पट्टी वाला इसको बनाइएगा। तो देखिए, या तो आप अपने जो बटन आपने लगाने हैं इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार और पांच, मैं इस पे ये थोड़े से बड़े साइज के बटन लगाऊंगी। तो मैं ये पांच बटन मैंने रख के, देखिए लगाए नहीं है अभी, हमारा ये देखिए बराबर का गैप आ गया है। या तो आप यहाँ इन बटनों को लगा करके छोड़ दीजिएगा, या फिर आप इन्हें हटा करके फ्रेंड्स जो वेस्ट बिंदी होती है हमारी इस तरह से, वो बिंदियां ले लीजिए जो हमारे काम की नहीं होती हैं, उनको आप जो है ऐसे चिपका करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जब हम बटन होल बनाएंगे तो हमें बराबर हिसाब पता चलेगा कि हमने यहाँ पर लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये बिंदियां चिपका करके इसमें छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम अपने बटन होल वाला जो साइड है जिसपे आपने या राइट या लेफ्ट या आपकी मर्जी होगी, तो उस तरह से आपको बराबर हिसाब से आपके बटन लग जाएंगे। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स बटन होल छोड़ने का। अब आ जाइएगा कि राइट साइड का पार्ट जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने बॉर्डर को एडजस्ट कैसे करना है। करना वैसे ही है जैसे हमने ये लेफ्ट का बनाया है, बस डिफरेंट इतना आएगा फ्रेंड्स, देखिए जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने यहां से स्टार्ट किया और बटन पट्टी जो है हमारी आगे बनी थी, तो स्टार्टिंग यहां से हुई और बटन पट्टी लास्ट में आई। लेकिन अब जब हमारा ये राइट साइड का हम बनाएंगे फ्रेंड्स, तो अब बटन पट्टी हमारी यहां पर बनेगी, क्योंकि देखिए हमने डिजाइनर फंदे रखे हैं अपने कार्डिगन को अच्छी लुक देने के लिए। जो डिजाइनर फंदे वाला राइट साइड का हिस्सा होता है वो ऊपर ही आना चाहिए, इसी से हमारी कार्डिगन में लुक बनेगी। अब यहाँ हमारी बटन पट्टी बनेगी, फंदे हमारे उतने ही हैं, 113 फंदे बैक पार्ट में थे और 62 फंदे से हमने इसका लेफ्ट पार्ट बुना है और 62 फंदे हमने राइट पार्ट के लिए हुए हैं। तो अब कैसे करेंगे, देखिए आप यहीं से हिसाब लगाकर चलिएगा जो पहले वाले में किए हैं, 11 फंदे की बटन पट्टी है, बाकी में हमारा डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले अपनी 11 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग कैसे होगी इस बॉर्डर की, मैं आपको इसको स्टार्ट करके ही दिखाऊंगी क्योंकि बीच में से समझ में नहीं आएगा। ये देखिएगा, पहला फंदा हमने ये उल्टा बनाया धागा पीछे। और फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान रखा करो, ये जो आप बटन पट्टी साथ साथ बुनते हो इसे आप बहुत टाइट हाथ से बुना करो, नहीं तो ये लूज हो जाती है। बीच में हम शॉर्ट रोज करते हैं, वो मैंने आपको बताई हुई है इससे पहली वीडियो में, शॉर्ट रोज आप कर लेना ताकि बटन पट्टी में झोल ना आए। और ये जो बटन पट्टी के फंदे होते हैं इनको आप बहुत टाइट बुना करो जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये 11 फंदे हम पहले बटन पट्टी के बनाएंगे। ये देखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और धागा आगे करके ये हमारी, देखिए 11 फंदे की हमारी ये बटन पट्टी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। अब हमने देखिए यहां से देखिएगा अपना डिजाइन हमने इस हिस्से पर जो हुआ है वही अब यहां से स्टार्ट होएगा। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहां पर हम पहले सीधा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे करके लपेट के ऐसे जाली बनाएंगे और चार फंदे उल्टे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद तीन फंदे का एक कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदे का एक करने के बाद फिर से वही करना है, चार फंदे उल्टे। ये फ्रेंड्स मैं आपको हर पार्ट में इसलिए बना करके दिखा रही हूँ ताकि जब आप ये बॉर्डर और ये डिजाइन कार्डिगन में सेट करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए तीन का एक करने के बाद तीन फंदे उल्टे हो गए और ये हमारा चौथा फंदा, चार फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे। और देखिए इस फंदे को आप ऐसे सीधा बना देना, धागा अपनी तरफ करके इस तरह से लपेट के एक जाली बना देना। और देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे उल्टे और तीन फंदे का एक फंदा कर देना। अब चार फंदे फिर से उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब हमारा धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बना देना, धागा आगे करके इस तरह से लपेट के एक जाली बन जाएगी और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब तीन फंदे का एक कर देंगे, अब फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। देखिए फ्रेंड, चार फंदे उल्टे हो गए, धागा अपनी तरफ है और इस फंदे को ऐसे लेंगे और सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करके इस तरह से लपेट के एक जाली बना देना और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब तीन फंदे का एक बना देना, अब फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब क्या करना है, देखिए फ्रेंड, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए लास्ट का हमारा ये सिलाई वाली साइड आ गई है, इसमें जाली सिर्फ अंदर वाली साइड बनेगी, लास्ट के दो फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे, तो धागा आगे करके दो फंदे उल्टे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिएगा राइट साइड में हमने यहां से स्टार्ट किया था, दो फंदे उल्टे बना करके एक फंदा सीधा और उसके आगे हमने जाली बनाई थी। ये वाला जो हमारा पार्ट बना है ये हमारा देखिए इधर से स्टार्ट हुआ था, तो जो पार्ट इसका यहाँ है इस हिस्से पर वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि पट्टी हमारी इस साइड आई है, और बुनते बुनते ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा अब यहाँ आया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट की जाली होती है वो सिर्फ अंदर वाली साइड बनानी है, बाहर वाली साइड बनाएंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे, इसलिए इसमें एक जाली बननी है और यहाँ भी एक जाली बननी है, बीच में आपकी दो दो होती हैं। तो देखिए ये इसकी उल्टी सिलाई है, ये पूरी उल्टी बनती है और जो पट्टी के फंदे हैं वही एक फंदा उल्टा और एक सीधा बनेगा। तो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बॉर्डर की हमने वही दो दो सिलाइयां रिपीट करनी होती है, तो ये बॉर्डर हमारा इस तरह से बनता जाता है। तो अब हमने जो है इसमें बटन होल बनाना, लेकिन बटन होल जो है एक इंच बनने के बाद बनाना है, तो मैं इसे एक इंच तक बना लेती हूँ, फिर आपको बटन होल बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, आपको मैं एक बात इसमें बता देना चाहती हूँ क्योंकि कई बार कुछ नए भी होते हैं मेरे चैनल पर, तो उन्होंने अगर ये अभी तक बॉर्डर बनाना नहीं सीखा होगा तो शायद समझ में ना आए, लेकिन फ्रेंड्स आप मेरे चैनल से बॉर्डर पूरा बनाना सीख सकते हैं, मैंने इसे पूरा बनाना सिखाया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ तक हमारे फंदे हैं इस बटन पट्टी के, और ये फंदा एक हमने सीधा बनाया है जो ये इसका डिजाइन वाला है, तो धागा अपनी तरफ करके देखिए बनाने हमने यहाँ चार फंदे उल्टे ही हैं, लेकिन ये जो जाली वाला है पहला फंदा हमारा ये होगा, देखिए एक दो तीन और ये चार, और उसके बाद हमने तीन फंदे का एक करना है। देखिए करना ऐसे ही है जैसे पहली सिलाई में मैंने आपको पूरी सिलाई बुन के दिखाई थी, ठीक वैसे ही करना है। अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन, और देखिए चौथी हमारी ये जाली होती है, तो इस जाली वाले फंदे को आपको ऐसे गिनना है। और देखिए फिर ये जो सीधा फंदा है धागा आगे करके इसको ऐसे सीधा बनाना है, धागा आगे करके इस तरह से लपेट के जाली बनानी है और चार फंदे उल्टे बनाने हैं, तो इस तरह से करते हुए आपको ये बॉर्डर का डिजाइन बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बॉर्डर बनना शुरू हो गया है और एक इंच तक हमारा ये बन गया है। अब हम इसमें पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल फ्रेंड्स हमें अपने बटन के हिसाब से रखना चाहिए। देखिए या तो हम इतना बड़ा बटन लगा रहे हों, या फिर देखिएगा एक ये इस साइज का बटन आता है फ्रेंड्स, ये वाला, ये आपने तय करना है कि आपको किस साइज का बटन लगाना है।
इससे बड़ा लगाना हो तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो अपने नीटिंग लेसन चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, आप वहां से भी देख सकती हैं। आने वाले टाइम में मैं यहां भी बता दूंगी। आज मैं आपको ये दो साइज का बटन होल बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। वैसे मैं इस पे फ्रेंड्स ये वाला बटन लगाने वाली हूँ, ये इतना छोटा नहीं लगाऊंगी, ये ज्यादातर मैं बच्चों के लिए यूज करती हूँ। लेडीज के लिए इतना बड़ा बटन होना चाहिए जो हमारे कार्डिगन को लुक अच्छी देता है। तो इतना बड़ा बटन लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, 11 फंदे की हमारी बटन पट्टी है, इसमें बटन होल आपको कैसे लगाना चाहिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 11 में से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7 फंदे बनाएंगे पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हमारा उल्टा है तो उल्टा ही बनाऊंगी, धागा पीछे और ये फंदा सीधा, 2 हो गए और 3, 4, 5, 6 और धागा अपनी तरफ करके ये 7। अगर आपने 10 फंदे की बटन पट्टी बनाई हो तो फ्रेंड्स आप जो है 6 फंदे बना लेना, और 11 या 12 फंदे की बनाती हैं तो 7-8 फंदे आप, क्योंकि 11 में से 7 बना लीजिएगा और 12 में से 8, या इधर आपने 4 ही फंदे रखने हैं, ये ध्यान रखना आपने 4 फंदे रखने हैं इधर अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड आपके फंदे ज्यादा होंगे तब आपका बटन होल बनेगा। तो जब आप बटन लगाएंगे और उसको बंद करेंगे तो वो अच्छे से बंद होएगा, उसमें ये जो हम एक गैप आता है बटन बंद होने के बाद भी वो नहीं रहेगा। तो देखिए अब हमने ये वाला बटन बनाना लगाना हो तो क्या करेंगे और ये लगाना हो तो क्या करेंगे। ये लगाने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, आप जैसे ये फंदा सीधा है तो धागा अपनी तरफ करके इसे सीधा बना दीजिएगा और एक जाली में ही आपका ये बटन होल रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बड़ा बनाना हो तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए ये फंदा हमने सीधा बनाना है तो सबसे पहले हम देखिए इस तरह से धागा लपेटेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर फंदा उल्टा आ रहा हो तो आप धागे को एक बार लपेटने की बजाय 2 बार लपेट लेना थोड़ा टाइट हाथ से। अब देखिए हम अपने बॉर्डर को ऐसे ही बुनते हो जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करके यहाँ नेक्स्ट लाइन में आने पर आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स अब इसे हम इस वाली सिलाई पर बनाते हुए वापस वहीं पर आ गए हैं जहां पर हमने ये लपेटा था और इसके यहाँ पर जाली सी बनाई थी। इसका हमने क्या करना है, इस बार इस फंदे को आप ऐसे लेंगी और इसको बना करके ऐसे उतार देना। एक बार आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही लंबा धागा रह गया, लेकिन नो टेंशन फ्रेंड, इसे आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा और आपका जो जैसा फंदा है आप वैसा ही बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेना। जो फंदा उल्टा है तो आप उसे उल्टा बनाइए, लेकिन जो आपका जो जाली वाला है उसे उल्टा ही बना करके छोड़ दीजिएगा, चाहे आप सीधी साइड से बुन रही हो उसे चाहे उल्टी साइड से, उस जो हमने जाली लपेटी हुई है उसको आपने उल्टा बना लेना है और वो जितना भी लंबा धागा आपको दिख रहा है उसे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। अब आज ये देखिए इस वाली साइड अब इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। जो फंदा हमारा उल्टा होगा तो आप अपने उसी बॉर्डर के हिसाब से आप अपने फंदे बुन लीजिएगा। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6 और ये देखिएगा ये हमारा 7वां फंदा है, और ये इस 7वें फंदे के आगे देखिए ये हमने जो जाली बनाई थी इस वाले फंदे के साथ, हम 7वें फंदे के साथ इस एक्स्ट्रा जो हमारा हो गया इसको लेंगे और इसको ऐसे उल्टा बुन देंगे। अगर आपका उल्टा हो तो आप उल्टा बनाइए और सीधा है तो सीधा बनाइएगा। अब देखिएगा अपना उसी हिसाब से आप अपने बॉर्डर की बुनाई कीजिएगा जैसे करते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ हमारा ये बटन होल बन गया है, इसमें हमारा ये वाला बटन आराम से आएगा। अगर आपने ये छोटा लगाना हो तो 2 बार लपेटने की बजाय आप एक बार लपेट के बनाइएगा तो छोटे साइज का बन जाएगा। इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स हमारा क्या फायदा होता है, जो हमारा फंदा बढ़ा वो हमने वापस 2 का 1 करके कर लिया है, जब हम इसमें बटन बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा धागा कटने का डर नहीं रहता है। आप खुद ऐसा बना करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि वहां ये तो बहुत अच्छा बन गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये बटन होल बनाते जाइएगा। बटन का नाप मैंने आपको बता दिया है, एक बार आपको ये डिजाइन एडजस्ट करना बताऊंगी कि जो है राइट साइड में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट का मैंने पहले बता दिया है। तो पहले फ्रेंड्स इस बॉर्डर की लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको ये डिजाइन सेट करना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर की जो है लंबाई जितनी बाकी की है इसमें फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की बनी है सेम उतनी ही ये मैंने बना के तैयार कर ली है। अब आपको बताती हूँ कि
ये लेफ्ट पार्ट में जब हमने डिजाइन देखिए एडजस्ट किया तो यहां से हमने इसको बुनना शुरू किया था और बुनते हुए हम यहां पर आए थे। बस थोड़ा सा अंतर होता है, बनेगा सेम ही। जब राइट साइड का पार्ट आप बनाओगे तो देखिए बटन पट्टी हमारी इस साइड आई है, जिस साइड हमारा ये धागा है, तो पहले बटन पट्टी बनी है और बाद में अब हमारा ये बॉर्डर सेट हुआ था। तो अब ऐसे भी ये बटन पट्टी के छोड़ के यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए ये जो चार फंदे की केबल है ये हम पहले बनेंगे। ये बनाने के बाद फिर जो हमने ये बनाया है डिजाइन, सेम टू सेम ऐसे ही इसको एडजस्ट करते हुए जाएंगे। तो देखिए एक सिलाई में फ्रेंड्स आपको पहले करके दिखा देती हूँ। तो ये हम पहले बॉर्डर के फंदे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब देखिए बटन पट्टी के साथ साथ हमने ये चार फंदे की केबल बनाई हुई है, तो केबल हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने वो बनाई है। पीछे की साइड से देखिए दो फंदे ऐसे लेंगे, इन्हें हम उतार लेंगे ऐसे, दो फंदे को इनको ऐसे लेंगे, पीछे से दो फंदे लेकर के इनको अब आगे डालेंगे। ये पहली सिलाई में आपको इसकी स्टार्टिंग करके दिखाऊंगी फ्रेंड। डिजाइन आप मेरे चैनल से सीख लेना क्योंकि डिजाइन मैंने वहां पर बताया हुआ है। देखिए चार फंदे हमारे ये केबल के हमने सीधे बना लिए, पलटने होते हैं बस, बाकी तो सीधे ही बनते हैं। अब हमारा देखिए ये वाला डिजाइन है, इसके साथ ये हमने कोई फंदे का यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा हुआ, इसमें सिर्फ हमारे फंदे ही पूरे होते हैं। अगर आपके बचते हैं इस वाले पार्ट के हिसाब से तो फिर आप इसमें ऐसे ही रखना। अब देखिए एक फंदा यहाँ सीधा, धागा आगे और धागा आगे करके दो फंदे सीधे बनाए। ये डिजाइन मैं आपको इसकी पहली सिलाई रिपीट करा रही हूँ। अब देखिए धागा आगे करके सात फंदे उल्टे, तीन और ये चार, पांच, छह और ये सात। अब धागा पीछे और दो फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा आगे कर लीजिएगा और तीन फंदे जो हमने गैप के बनाए हैं वो बना लेंगे। अब धागा पीछे कर लीजिए और एक फंदा सीधा, धागा आगे और अपने इसी डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे। देखिए धागा आगे करके अब दो फंदे सीधे, धागा आगे और सात फंदे उल्टे, तो ये तीन और ये हमारा चार, पांच, छह और ये सात। धागा पीछे और दो फंदे सीधे, सिर्फ इतना ही डिफरेंट है फ्रेंड। जब इस पार्ट में हमने इसको एडजस्ट किया तो सिलाई वाली साइड से हमारा ये हमने बनाना शुरू किया था, इसमें एडजस्ट करेंगे तो बटन पट्टी वाली साइड से हमारा ये बनना शुरू होएगा। तो हम अपना इसका हिसाब लगाएंगे, जैसे ये यहां से है वैसे हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, बटन पट्टी वाली साइड से इधर आ जाएंगे। तो ये देखिए दो फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, अब धागा आगे करके तीन फंदे गैप के, एक दो और ये तीन। अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और दो फंदे अब सीधे, अपनी तरफ धागा करके सात फंदे उल्टे। ये डिजाइन आपको पूरी तरह से तभी समझ में आएगा जब आप मेरे चैनल पे इस डिजाइन वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है वो आप देख लेंगे, तो ये सिलाई आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि मैंने कैसे बनाई है। दो तीन पांच छह और ये सात, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा और लास्ट के दो फंदे हमारे उल्टे। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जब हमने इसको यहां से शुरुआत की थी तो ऐसे ही की थी, दो फंदे उल्टे हैं, 13 फंदे का डिजाइन, तीन फंदे का गैप और यहां पर हमारी ये चार फंदे की केबल, ठीक हमारा वैसे ही इसमें अब ये एडजस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स जो है इसमें आपने शॉर्ट रोज ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको इसमें करके दिखाई हुई है। तो पहले मैं इसकी जो है ना ये तीन चार सिलाइयां डिजाइन की बना लेती हूँ, तो एक शॉर्ट रोज इसमें भी आपको करके दिखाऊंगी और जहां पर मैं आपको करके दिखाऊंगी वहां पर इसमें भी बहुत जरूरी है करनी और इसमें भी करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कई कार्डिगन में कईयों को कि उनकी यहां पर जरूर झोल होता है, ये उसका ये मेन कारण होता है कि यहां पर वो शॉर्ट रोज नहीं करते हैं। तो यहां से जब डिजाइन ये एडजस्ट होता है तो ये पट्टी थोड़ी उठी हुई सी हो जाती है। तो चलिए मैं पहले ये एक पोर्शन पूरा करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स
इस डिजाइन की जो है ये यहाँ पर हमारी जो 7-8 सिलाइयां बन चुकी हैं। अब इसमें हमें एक बार यहाँ पर शॉर्ट रो जरूर करनी चाहिए ताकि यहाँ पर ये पट्टी हमारी लूज ना हो। इस डिजाइन के अलावा अगर आप कोई और भी डिजाइन बना रही हैं तो उसमें भी आपने यही करना है। जो बॉर्डर के ऊपर जब आप डिजाइन सेट करेंगी तो 6-7-8 सिलाइयां बनाने के बाद एक बार शॉर्ट रो जरूर कीजिएगा। शॉर्ट रोज ठीक ऐसे ही करनी है, जितने जितने गैप पर आपने इस पल्ले में की हैं उतने ही गैप पर आप इसमें कीजिएगा। कैसे करनी एक बार करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से लेकर हम अपने यहाँ तक बुनाई करेंगे, ये पट्टी के 11 फंदे हमारे रह गए हैं। अब ये पट्टी वाले फंदे में से एक फंदा ऐसे उतारेंगे, धागे को इसके आगे से ऐसे कर देंगे और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे। इस पट्टी वाले फंदे को हम वापस इसी में ले लेंगे। अगर यहाँ पर आपका उल्टा फंदा है तो आप उल्टा बनाइए और सीधा है तो सीधा बनाइए। मेरे यहाँ पर सीधे हैं तो मैं धागा पीछे करूंगी अब यहाँ से और ये 4 फंदे यहाँ पर सीधे बनाऊंगी। इस तरीके से आपने जो है ये शॉर्ट रोज करते रहना है, देखते रहना है कि पट्टी कहीं से कोई लूज ना हो। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया है हमारा जो है फ्रंट साइड का राइट पार्ट में इस डिजाइन को, इस बॉर्डर को कैसे सेट करना है। अब हमारा देखिए यहाँ पर हमने बटन होल बनाया था पहले वाला, दूसरे वाला बटन होल। अब मेरी 2 सिलाई के बाद मेरा दूसरा बटन होल बनेगा। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप बटन होल बनाइएगा। ये आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से मैं फैंसी इसमें कॉलर गला बनाऊंगी, तो उसके लिए हमें ये कैसे बनाना होता है ये सिखाऊंगी और कॉलर वाले गले की घटाई सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में आप इतना सीखिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको ये गले का बताऊंगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये गला जब हम फैंसी कॉलर वाला गला बनाते हैं तो उसके लिए हम ये हिस्सा बनाते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। इसकी मेरे कई सारे सब्सक्राइबर की फरमाइश भी थी कि आप हमें ये वाला गला बताइए, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा इस तरह से आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप इस कार्डिगन का एक भी वीडियो मिस नहीं करना क्योंकि इसको मैं स्टेप टू स्टेप सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कोई भी मैं इसमें मिस नहीं होने दूंगी, आपको पूरा का पूरा कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। तो थैंक यू।